दुखी है क्या? तेरा क्यों आवाज बड़ा धीमे धीमे आ रहा है सर। धीमे धीमे बोल ही रहे हैं इसलिए आवाज धीरे धीरे चला रहा है। देखो अभी फ्लो आएगा, स्टार्ट होगा। अभी है ना जेके सर भी है ना थोड़ा सा मेरे बगल वाले ही रूम में पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा कस के बोल ही नहीं सकते आज, ठीक है। और बाहर से भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो उसमें भी अपना अपना साउंड है, तो कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण हमको कस के बोलना है, और जेके सर भी बगल में क्लास ले रहे इस वजह से हमको धीरे बोलना है, तो बहुत सारा सिचुएशन बीच में आ गया, पता समझे? तो बता देखो, जा, हम लोग को कस के बोलना पड़ेगा ना। हाँ तो कस के बोलना पड़ेगा बिल्कुल, ठीक है। नहीं सुनाई देगा तो आपको कस के बोलना पड़ेगा। चलिए देखिए फिर हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं अपना ऑप्टिकल आइसोमेरिज। जहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग लास्ट डे डिस्कस किए थे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में। कोई भी मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर मौजूद होता है तो मॉलिक्यूल को हम लोग सिमेट्रिकल कहते हैं, और अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, एब्सेंट हो, तो वो मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल होता है। और अगर कोई मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है तो उसको हम लोग है ना वो हम लोगों का ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस में काउंट होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस ठीक है, सर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लास्ट डे जैसे है ना यहाँ तक आपको हो चुका है, तो हम सारी चीजों को एक बार है ना रिकॉल करा दे फिर आगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें अगर हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करा जाए, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। अगर कोई सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट कर सकता है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। अब अगर वो सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, इलेक्ट्रिक फील्ड को डेक्सटो रोटेटरी। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर डी फॉर्म या प्लस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो उसको हम लोग लीवो रोटेटरी एल फॉर्म या माइनस फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। क्या किसी को डाउट यहां तक? नो सर। ठीक, नो सर। तो कौन सा दिया हुआ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा? तो वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा जो असिमेट्रिकल है। असिमेट्रिक का मतलब ये है कि उसमें ना आप प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं ना सेंटर ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री में से कोई भी नहीं बना पाएंगे तो मॉलिक्यूल असिमेट्रिक होगा, और असिमेट्रिक मॉलिक्यूल ही ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस तो चलिए आपको यहां से आगे लेके चलते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं, सब कुछ है ना ध्यान से देखते हैं, और फिर से है ना हम लोग फॉर एनी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल आप उसको सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में डिवाइड करते हैं। सिमेट्रिक असिमेट्रिक, सिमेट्रिक मॉलिक्यूल वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री दोनों में से कोई एक मौजूद है या दोनों मौजूद है उसको सिमेट्रिक कहते हैं। सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री ये दोनों ही एब्सेंट होना चाहिए तो उसको असिमेट्री कहते हैं। जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, लेकिन जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल असिमेट्रिक है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है। जो मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव है, जो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है दैट कैन सोर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये आप लोगों का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। कैन सोर्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म,
ये ऑप्टिकल आइसमेरिन शो कर सकता है, ये ऑप्टिकल आइसमेरिन शो कर सकता है, ठीक है। हाँ बोलो ना। एक्सिस ऑफ सिमेट्री किसमें आएगा, सिमेट्रिक में कि एसिमेट्रिक्स में? लास्ट ईयर क्लास किया था, यस सर। बार बार हल्ला करके बोले तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑप्टिकल आइसमेरिन में काउंट नहीं होता, समझे? सर भूल गए, यस। भूला मत करो यार, पढ़ने के लिए इतना चीज है, भूलते रहेगा तो हम लोग तो उसी में रह जाएंगे। कैन शोज ऑप्टिकल आइसमेरिज्म, ये ऑप्टिकल आइसमेरिज्म शो करता है। अब ये जो ऑप्टिकल आइसमेरिज्म है ये दो तरह का, ठीक है। ए पार्ट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, बी और प्लस एल, ठीक है। क्या करता है भाई, तो रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, इसको कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म। और डी हम लोगों का लीवो रोटेटरी, ठीक है। एल और माइनस फॉर्म, ये क्या करता है यार, तो ये रोटेट करता है, रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट टूवर्ड्स लेफ्ट, या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का काम करता है। अब देखिए, साइंस यहां तक आज भी डेवलप नहीं हो पाया कि किसी मॉलिक्यूल को देख के आप ये बता दे कि ये किधर घुमाएगा। मान लो जैसे मेरे पास दो आइसोमर है, सपोज टू आइसोमर, ठीक है ना, लेट टू आइसोमर्स, मान लो हम लोग के पास ऑप्टिकल आइसोमर दो है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर दो कौन है, एक ए है और दूसरा बी है, ये दोनों ऑप्टिकल आइसोमर है, मान लो ऑप्टिकल आइसोमर है एक दूसरे का। अब देखो एक बात तय है कि ए हमारे प्लेन पोलराइज लाइट को जिधर भी घुमाएगा बी उसके अपोजिट में घुमाएगा। अगर ए घुमाया क्लॉकवाइज तो बी घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ए घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो बी घुमाएगा क्लॉकवाइज, ये तय है। लेकिन ए किधर घुमाएगा या बी किधर घुमाएगा ये आप किसी मॉलिक्यूल को देख के नहीं बता सकते। मेरी बात को समझ में आ रही है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? 100% श्योर है कि ए जिधर भी घुमाएगा बी अपोजिट में घुमाएगा, या बी जिधर घुमाएगा ए अपोजिट में घुमाएगा। लेकिन कोई मॉलिक्यूल को देख के, हम अभी आपके सामने एक मॉलिक्यूल बनाया, बोलेंगे बताओ ये प्लेन पोलराइज लाइट को किधर घुमाएगा, ये क्वेश्चन ही गलत है। अब हम तुमको बोल दे कि देखो ये दो आइसोमर है, ये वाला आइसोमर जो है प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो तुम बोलना हाँ सर तब तो ये वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो मेरी बातों को समझो, लेट टू आइसोमर ए एंड बी, ए एंड बी, ठीक है। वी कैन नॉट डिसाइड बाय सीइंग स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी वी कैन नॉट डिसाइड द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाई ए और बाई बी। हम लोग केवल स्ट्रक्चर देख के इस बात का डिसीजन नहीं ले सकते कि ए जो है वो लाइट को किधर घुमाएगा या बी जो है वो लाइट को किधर घुमाएगा, ये केवल स्ट्रक्चर देख के डिसीजन लिया नहीं जा सकता। बट इट इज कंफर्म दैट बट इफ ए रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉक वाइज, बी मस्ट रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट एंटी क्लॉकवाइज। ये अगर क्लॉकवाइज में घुमाएगा तो बी एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएगा एंड वाइस वर्सा, इसका उल्टा भी सही है कि अगर ए घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो बी घुमाएगा क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। अब देखो यहां तक तो आपके पास हम वो कॉन्सेप्ट दे चुके हैं जिससे है ना हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे है ना
ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव होने का मतलब है कि अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट उससे पास कीजिएगा तो वो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को घुमा देगा, या तो क्लॉकवाइज घुमा देगा नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा। अब यहां से एक नया सेक्शन स्टार्ट होता है और वो सेक्शन चलता है काइरल कार्बन से। चलिए अगला मॉलिक्यूल, अगला टर्म पे ध्यान दीजिए, काइरल सेंटर या फिर काइरल कार्बन भी आप बोल सकते हैं, काइरल सेंटर या काइरल कार्बन। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कार्बन जिसके साथ चारों का चारों ग्रुप अलग अलग हो, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कार्बन जिससे जुड़ा हुआ चार ग्रुप अलग अलग हो, ये ग्रुप मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है और ये डी है। कोई भी ऐसा पर्टिकुलर कार्बन जिससे चारों का चारों जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते हैं काइरल कार्बन या काइरल सेंटर। स्टार मार्क से दिखाते हैं, स्टार मार्क दिखाने का मतलब है ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ये एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, ठीक है। तो अभी जरा गौर करना, काइरल कार्बन का मतलब हुआ एक ऐसा कार्बन जिससे जुड़ा हुआ चारों का चारों ग्रुप अलग अलग होगा। अगर चारों ग्रुप अलग है तो उस कार्बन सेंटर को आप काइरल कार्बन कहते हैं। जैसे आप मॉलिक्यूल देखिए, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम आपके पास बोलते हैं देखिए जी CH3 है, CHOH है और फिर हमारे पास CH2CH3 है, बोलो इसमें काइरल सेंटर है या नहीं? इस मॉलिक्यूल में काइरल सेंटर है या नहीं? बोलो बोलो इसमें काइरल सेंटर है या नहीं? कोई ऐसा कार्बन आपको दिखाई दे रहा है कि चारों का चारों ग्रुप अलग है? नो सर। हाँ है, इसको जरा गौर करो, स्ट्रक्चर बनाना सीखो। CH3 बॉन्ड CH OH CH2 CH3, यही है ना? ये देखो भाई CH3 है, ये देखो H है, ये देखो OH है और ये देखो C2H5। तो ये वाला कार्बन काइरल सेंटर है। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। फिर और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हम आपके सामने बना रहे हैं बताइए इस मॉलिक्यूल में कितना काइरल सेंटर है, देख के बोलिए आराम से। यहाँ भी एक CH3, इस मॉलिक्यूल में कितना काइरल सेंटर है देख के बताओ। कितना काइरल सेंटर है देख के बताओ। दो कारण है कि एक तरफ इथाइल ग्रुप है, एक तरफ ये पूरा ग्रुप है, एक OH है और एक H है, छिपा हुआ H हमेशा देखना। फिर एक ये है, एक तरफ ये वाला पूरा ग्रुप है, एक तरफ ये वाला पूरा ग्रुप है, एक Cl है और एक H है। फिर ये वाला भी एक ग्रुप है, ये वाला भी एक काइरल सेंटर है। कारण क्या है? ये तो है, ये CH3 दिख रहा है आपको, इधर में ये पूरा ग्रुप है, फिर एक H है और एक इधर वाला ग्रुप है, तो ये तीन हो गया। ये वाला काइरल सेंटर नहीं है, कारण यहाँ CH3 है तो ये भी तो CH3 ही है, तो इसमें तीन काइरल सेंटर है, तीन काइरल सेंटर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, आपको काइरल सेंटर पहचानना। अगला एग्जांपल देखो, बोलो इसमें कितना काइरल सेंटर है। बोलो इसमें कितना काइरल सेंटर है, जल्दी जल्दी आंसर दो। कितना?
एक बोल रहे हो? यस सर एक। ठीक, एक भी नहीं है, एक भी नहीं हाँ है। सर एक भी नहीं है। हाँ सर एक भी नहीं है। ये स्त्री इधर भी और एक अच्छे इधर। देखिए इधर वाला ग्रुप का अरेंजमेंट और इधर वाला ग्रुप का अरेंजमेंट सेम है, बोलो है कि नहीं? सेम है। यस सर। यस सर। तो नो कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर, लेकिन इसी में हमें छोटा सा ट्विस्ट करते हैं और देखिए आपके पास। आप बोलिए इसमें कितना कायरल सेंटर है? सुनाई नहीं दिया, थोड़ा कस के बोलो। तुम लोग का एक है सर इसका, इसमें एक है सर। और कोई? दो दो सर। दो दो दो, वेरी गुड वेरी गुड, दो है दो है। ये वाला भी कायरल हो गया क्योंकि एक तो मान लो चलो सी एस थ्री है, एक एच आ जाएगा ना। अब इधर से जो अरेंजमेंट है वो एक अलग तरीके का है और इधर से जो अरेंजमेंट है वो अलग तरीके का, बोलो हाँ कि ना। Yes, तो ये कायरल सेंटर है। उसी तरह इसका भी दोनों अरेंजमेंट बदल गया है, तो एक एच मौजूद है, ये कायरल सेंटर। बोलो समझ में आया? Yes. दो कायरल सेंटर। चलो एक और एग्जांपल देते, आप बताइएगा कितना कायरल सेंटर है? बोलो इसमें कितना कार्य सेंटर? सर दो, दो से। अच्छा दो कौन कौन सा? सर पहला वाला सीएसपी और लास्ट वाला वेंच। ये वाला और ये वाला बोल रहे? यस। अच्छा ये वाला कार्य सेंटर है मान ली, अगला ग्रुप एच है। अच्छा इसमें क्या प्रॉब्लम है तुमको? सर दोनों तरफ सीएसटी और सीएसटी हो गई सर, सेम सेम हो गई। सेम कैसे? खाली यही देखोगे, आगे नहीं देखोगे? खाली यही देख के रुक जाओगे? ये पूरा ना है। देखो अगर तुम इसी को मान लो बात करना चाहते हो तो इसके अरेंजमेंट में तुम ये पूरा का ना एक ग्रुप लोगे और इधर वाले को पूरा है ना एक ग्रुप लोगे, ये दोनों सेम है। तो ये भी एक कायरल सेंटर है, फिर ये भी एक कायरल सेंटर है और ये भी एक कायरल सेंटर है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से आपका काम हो रहा है। क्या आपको समझ में आया कायरल सेंटर? नहीं, हमको नहीं लग रहा। अभी तक आपका परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा, सो भी कह दो, और भी हम आपको दिखाते हैं। मान लो हम लोग के पास एक दो और मॉलिक्यूल है जहां हम लोग को काम कर लेना चाहिए ताकि ये टॉपिक है ना क्लियर रहे। सपोज आपके पास ये एक एग्जांपल है, सपोज हम लोग इस मॉलिक्यूल को ऐसे देना चाहते हैं। इसको देखो जरा गौर से, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया है, यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, फिर ये भी एक मिथाइल ग्रुप है। अभी जरा देख के बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल को ध्यान से देख के बताओ, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? इस पूरे मॉलिक्यूल में हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर? कितना कायरल सेंटर इसमें मौजूद है? चलो तीन, तीन सर। अच्छा ये वाला कायरल सेंटर है ना? हाँ ये सर, ये भी और नीचे वाला भी है। ये वाला है ना? हाँ एक ये वाला भी है। ये वाला है और एक वो। हाँ सर, तीन नहीं चार। और ये है, तो कितना कायरल सेंटर है? चार। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? नो सर। नहीं, चलिए और हम कुछ एग्जांपल है, कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हम वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। जैसे आप देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा।
ये कार्बन है, ये कार्बन है, यहाँ पे सी एस थ्री है, यहाँ एच है, आगे ये जुड़ा है इसके साथ एच एच सी एस थ्री, और फिर ये जुड़ा है इसके साथ सी एस थ्री एच एंड एच। बताओ हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर देयर, है भी या नहीं? How many chiral centers are there? There is one chiral center. Yes, sir. इस मॉलिक्यूल में एक chiral center है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए, ये एक chiral center है। कोई हमको बोल सकता है कि सर इधर वाले ग्रुप में देखिए ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट है, लेकिन इधर वाले ग्रुप में भी सेम अरेंजमेंट है, लेकिन हाँ आप इसी चीज को तो सीखिए। ये वाला जो है वो सीस आइसोमर है, yes, sir, उधर ट्रांस है। और इधर ट्रांस है। So they are different. So they are different. It is a chiral center. क्या मेरी बात समझ में आई सबको? Yes sir. ठीक है। तो आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है, आपको इन सब चीजों पे भी ध्यान रखना है और थोड़ा carefully इस सब topic में आगे बढ़ना है। तो chiral center का decision आप ऐसे लेते हैं कि कोई एक ऐसा carbon हो जिसके साथ चार का चार group अलग अलग हो। अगर चारों group अलग है तो molecule have some chiral center. अब आओ एक चीज ध्यान पे, काइरल सेंटर का पता चल गया, मॉलिक्यूल कब सिमेट्रिक है कब असिमेट्रिक है ये भी पता चल गया। अब थोड़ा सा और आगे, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर, कोई भी ऐसा पर्टिकुलर ऑप्टिकल आइसोमर, जो आइसोमर्स जो दो आइसोमर्स है वो देखने में ऐसा लगता है कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कोई भी ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो देखने में ऐसा लगता है कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, लेकिन अगर आप उठा के एक को दूसरे पे रखो तो वो सुपरिम्पोज नहीं करता। मेरे कहने का मतलब क्या है, टॉपिक का नाम है इनेंसियोमर्स, टॉपिक का नाम है इनेंसियोमर्स, थोड़ा ध्यान से केयरफुली, इनेंसियोमर्स होता क्या है सुनो। ठीक है, सपोज जैसे हमारे पास ये कार्बन है, इसके साथ यहाँ पे सी एस थ्री जुड़ा है, यहाँ पे H जुड़ा है, यहाँ OH जुड़ा है, और मान लो यहाँ पे C2H5 जुड़ा है, और इसी का एक आइसोमर है जिसमें ऊपर में CH3 है, यहाँ पे C2H5 है, यहाँ पे OH है और यहाँ H है। जरा बात करना, तो क्या ये दो मॉलिक्यूल दो है, क्या ये दोनों देखने में ऐसा लगता है कि दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर? नहीं सर, एक वो उस तरफ है और एक तो ये। They appears to be mirror image of each other. दोनों एक दूसरे का mirror image है, लेकिन अगर आप एक को ऐसे पकड़ के उठाइएगा दूसरे पे रखिएगा तो superimpose नहीं करेगा, completely superimpose नहीं करेगा। सर क्या बताना चाहते हैं हम आपको, ये बताना चाहते हैं, देखिए मेरा ये दोनों हाथ दो अलग अलग hands है, लेकिन देखने में लगता है कि बीच में एक mirror है और दूसरा एक दूसरे का mirror image है, बोलो है कि नहीं? Yes, sir. लेकिन अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखिएगा तो सुपरिम्पोज नहीं कर रहा, देखो थंब बाहर आ गया, फर्स्ट फिंगर और लिटिल फिंगर साथ है, ऐसा तो सुपरिम्पोज नहीं करेगा, लेकिन देखने में लग रहा है दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो लेकिन जब उठा के एक दूसरे पे रखिएगा तो सुपरिम्पोज नहीं करता, उसको कहते हैं इनेंसियोमर्स। इनेंसोमर्स का मतलब है, इनेंसोमर्स का मतलब है, इनेंसोमर्स का मतलब होता है दोस ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं करेगा, उसको हम लोग इनेंसोमर्स कहते हैं। आप जैसे यहीं पे देखें तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल,
मिरर इमेज, उसी को आप इनेंसोमर्स कहते हैं। इनेंसोमर्स का मतलब हो गया दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन ईच अदर। दोज ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल ऑन ईच अदर आर कॉल्ड इनेंसोमर्स, उसको आप लोग इनेंसोमर्स कहते हैं। तो जब भी इनेंसोमर आएगा हमेशा तैयार है ये। अब देखो इनेंसोमर में दो आइसोमर बना है, मान लो जैसे इसको आप ए कह दो और इसी ए का ये ए डैश है, नाम दे दिया हम ऐसे ए और ए डैश बोल दिए, ए और ए डैश बोल दिए। अब सुनते जाना समझते जाना, इनेंसोमर्स में होता क्या है, बोथ आइसोमर्स, जो भी हम लोगों का आइसोमर्स इनेंसोमर्स का पार्ट है, बोथ आइसोमर्स रोटेट्स प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों आइसोमर प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेकिन पता नहीं कि कौन किधर रोटेट करेगा। एक बात तय है कि दोनों अपोजिट में जरूर रोटेट करेगा। अगर हमारा ए रोटेट करता है क्लॉकवाइज तो ए डैश रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज, अगर ए रोटेट करता है एंटी क्लॉकवाइज तो ए डैश रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो लेकिन सुपरइम्पोज एक दूसरे पे ना करे। अगर देखिए आप लोग गलती से है ना फ्लिपिंग मत कीजिएगा। फ्लिप कहना का मतलब होता है कि इसको फ्लिप कहते हैं, इसको फ्लिप कहते हैं, पलटना, पलटना फ्लिपिंग कहलाता है। सुपरइम्पोजिशन चेक करने के लिए आप ऐसे उठा के रखिएगा। मेरी बात समझ में आई? फ्लिप कीजिएगा तब तो मिल जाएगा। हाँ सर। आपको सुपरइम्पोज कराने के लिए उठा के रखना है तो फ्लिपिंग इज नॉट अलाउड। फ्लिप बोलेंगे तो एक अलग बात होगा और उठा के रखना बोलेगा तो अलग बात होगा। तो यहाँ पे उठा के रखना है, सुपरइम्पोज नहीं करेगा, नॉन सुपरइम्पोजेबल। तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है, देखने में लगता है एक दूसरे का मिरर इमेज है लेकिन नॉन सुपरइम्पोजेबल होता है, उसको कहते हैं इनेंसोमर्स। इनेंसोमर्स में जो पेयर बनता है वो हमेशा प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। पता चल रहा हम क्या बोल रहे हैं कि अगर ये घुमाया क्लॉकवाइज तो ये घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो ये घुमाएगा क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन आप बता नहीं सकते हैं कि कौन किधर घुमाएगा। आप बस ये बोल सकते हैं कि सर अगर ये इधर घुमाएगा तो ये इधर घुमाएगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं हो सकते। तो ये मेरी बात को बहुत दिमाग में बैठा के रखना। ठीक है, बोथ आइसोमर्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, इसको कहते हैं इनेंसोमर्स, इसको कहते हैं इनेंसोमर्स। अब इसी इनेंसोमर में थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, कुछ और आपको दिखाते हैं। एक टर्म है दैट इज कॉल्ड डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स क्या होता है? डायस्टीरियो आइसोमर्स भी आइसोमर्स का एक पेयर है, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता लेकिन एक दूसरे पे सुपरइम्पोज भी नहीं करता। ठीक है, डायस्टीरियो आइसोमर्स नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट नॉन सुपर इम्पोजिबल। मिरर इमेज तो एक दूसरे का नहीं होगा लेकिन जब अगर आप उठा के एक को दूसरे पे रखेगा तो सुपरइम्पोज भी नहीं करेगा। जैसे आप एग्जांपल देखिए, मेरी बातों को समझिएगा बहुत ध्यान से। जैसे हम आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल क्राफ्ट कर रहे हैं, जरा गौर करना। तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ OH है, यहाँ H है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ H है। इस मॉलिक्यूल को देख के बताओ हाउ मेनी काइरल सेंटर्स आर देयर? दो काइरल सेंटर। देखो तो बनाए ठीक से, काइरल सेंटर है ना दो। और एक इसका मिरर इमेज बना दे। नॉन क्या लिखे है? सुपर इम्पोजिबल। हर बार सुपर इम्पोजिबल लिख रहे हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल। सुपर IMPOSABLE यहाँ H है, यहाँ CL है,
यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ पे एच है, ऊपर में ओ एच है और यहाँ पे सी एच थ्री, ठीक है, देख लो अच्छे से। क्या इसको आप इनेंसोमर्स बोल सकते हैं? नो सर। क्यों नहीं बोल सकता है? नहीं सर, ये सर ये वो है इनेंसोमर्स सर। बिल्कुल इनेंसोमर्स है, दे आर इनेंसोमर्स, ठीक है, है। अब इसी का एक और, इसी के तरह का एक और स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इसी फॉर्मूला पे बेस्ट एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस बार CH3 CL यहाँ, OH नहीं डालेंगे, H डालना, H और यहाँ पे है OH, यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है H, और फिर से बना दिए इसका भी एक मिरर इमेज, यहाँ पे एच आ गया, यहाँ भी एच है, यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ पे ओ एच है, ऊपर में सी एल है और नीचे में सी एच थ्री है। गौर करो, जैसे मान लो ये वन है, ये टू है, इसको आप थ्री कह दो, इसको आप फोर कह लो, ठीक है, बोलो वन और टू एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं? है सर। बिल्कुल है। थ्री और फोर एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं? है सर। बिल्कुल है, है तो यहाँ याद रखना कि यहाँ पे हम आपके सामने इनेंसोमर्स का पेयर लिख रहे हैं, इनेंसियोमेरिक मेरिक पेयर। इनेंसोमर का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? तो वन और टू एक इनेंसोमेरिक पेयर है, थ्री और फोर एक इनेंसोमेरिक पेयर, ठीक है, वन और टू एक दूसरे के साथ नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है, सो दे आर इनेंसोमेरिक पेयर। सिमिलरली थ्री और फोर भी एक दूसरे के साथ नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज है, सो दे आर ऑल्सो इनेंसोमेरिक पेयर्स, ओके। अब आया बात डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर का, डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर, डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर का जरा गौर करना, क्या वन और थ्री, क्या वन और थ्री एक दूसरे का मिरर इमेज है? नहीं सर। नहीं है। नो सर। अब आप वन को पकड़ के इसे लाइए और थ्री पे रख दीजिए, क्या सुपरइम्पोज करेगा? नहीं सर, नहीं करेगा। नो सर। नहीं करेगा। तो एक तो ये एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं है और सुपरइम्पोज भी नहीं कर रहा है, यही तो है डायस्टीरियो आइसोमर्स, not mirror image of each other but non-superimposable also, non-superimposable भी होना चाहिए और mirror image भी नहीं होना चाहिए। तो क्या one or three ऊपर वाले condition को satisfy करता है? Yes sir. Yes sir. अच्छा, one और four भी तो उस condition को satisfy करता है ना? Yes sir. अच्छा, two और three भी तो उस condition को satisfy करता है ना? Yes, और टू और फोर भी तो इसको सेटिस्फाई करता? Yes, sir. Yes, sir. तो कुल मिला के डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर खाली स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। हाँ, वन का थ्री के साथ, वन का फोर के साथ, टू का थ्री के साथ और टू का फोर के साथ, इसको कहते हैं डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर। क्या मेरी बात समझ में आई? डायस्टीरियोमेरिक पेयर इसी को आप कहते हैं। इज दिस क्लियर? कोई डाउट नहीं ना किसी को? आइसोमेरिक पेयर क्या होता है और डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर क्या होता है? आइसोमेरिक पेयर वो होता है जो एक दूसरे का मिरर इमेज हो लेकिन नॉन सुपरइम्पोजेबल। डायस्टीरियो आइसोमेरिक पेयर क्या होता है? एक दूसरे का मिरर इमेज भी नहीं होना चाहिए और नॉट सुपरइम्पोजेबल, मतलब नॉन सुपरइम्पोजेबल भी होना चाहिए, सुपरइम्पोज नहीं करना चाहिए। तो इसको आप लोग जब वर्ड्स आएगा ना तो इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत कुछ है सीखने के। तो इनेंसोमर आप सीख लिए, डायस्टीरियो आइसोमर सीख लिए, काइलर सेंटर किसको कहते हैं वो आपको पता चल गया, आपको ये भी पता चल गया कि मॉलिक्यूल के अंदर काइलर सेंटर फाइंड आउट कैसे करते हैं, चारों ग्रुप है ना अलग अलग होना चाहिए, वैसा ही कार्बन जो है वो काइलर सेंटर में काउंट होता है, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है।
चलिए बढ़िया। अब आपके पास एक अलग से कंपाउंड रखना चाहते हैं, नाम है उसका मेसो कंपाउंड। मेसो कंपाउंड क्या होता है? अच्छा एक चीज पूछ रहे थोड़ा, ये देखो यहाँ चार को देखो, चार को देखने का कोशिश करो अच्छे से। क्या आप किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री आप बना सकते हैं? ये चार में से चार में कहीं भी आप सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? नो सर। हाँ आप नहीं बना सकते, आप नहीं बना सकते। हर किसी के पास दो दो कायरल सेंटर है, हर किसी के पास दो दो कायरल सेंटर है, लेकिन किसी में भी सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होने के कारण ये चार का चार मॉलिक्यूल असिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, इसलिए ये चारों ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका मतलब ये है कि इन चारों में से कोई भी अगर आप उससे प्लेन पोलराइज लाइट पास करेंगे तो वो प्लेन पोलराइज लाइट के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देगा। क्या मेरी बात समझ में आई? यस अब सुनो जरा ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो। यहाँ पे OH है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है और यहाँ OH है। बोलो क्या इसमें दो कायरल सेंटर है? यस सर। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है? नहीं सर, नो सर, सिमेट्रिकल सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है। इसमें क्या मौजूद है, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री? सेंटर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री सर, प्लेन ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे बोल रहे दीक्षा? नहीं सर, वो मुंह से निकल गया सर। हाँ ठीक है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है जो मॉलिक्यूल को ऊपर एक हाफ नीचे का और नीचे एक हाफ में बांट देता है। क्या बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल मेसो कंपाउंड कहलाता है। मेसो कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा। जैसे दो है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है। मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के मौजूद होने की वजह से मॉलिक्यूल एक दूसरे हाफ का मिरर इमेज हो जाएगा, मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाएगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो मेसो कंपाउंड का मतलब होता है मॉलिक्यूल हैविंग मोर देन वन काइरल कार्बन बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसको हम लोग कहते हैं मेसो कंपाउंड्स। तो मेसो कंपाउंड्स का मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा कायरल सेंटर होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री के मौजूद होने की वजह से, प्लेन ऑफ सिमेट्री के मौजूद होने की वजह से वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, उसको कहते हैं मेसो कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, यस सर। वेरी गुड। अभी सुनना थोड़ा और ध्यान से, थोड़ा और ध्यान से सुनो। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब क्या है? बोलो इसका फिर से मतलब क्या बोलिए है? ना। मतलब कि मैट्रिकल है। अच्छा ट्रे हो। अच्छा ऑप्टिकली बोले। ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब बताइए। आप केवल ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब बताइए। मतलब सर ऑप्टिकल आइसोमर पे काउंट नहीं हो जब वेरी मैं लाइट पास करता है तो गुड, रोटेट नहीं करता। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए
आप लोग बहुत कोई इसी से रिलेटेड बात बोले, लेकिन हम सबको बोल दिए ना ना ये नहीं ये नहीं। लेकिन जैसे ये लाइन बहुत एप्रोप्रिएट है ना, ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब है कि अगर आप उससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास कीजिएगा तो उस पर वो किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं दिखाएगा। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था तो बाद में भी ऐसे ही रहेगा। बोलो समझा? हाँ सर, रोटेट रोटेट नहीं करेगा। अब मेसो कंपाउंड करता क्या है, सुनना ध्यान से। मेसो कंपाउंड में होता क्या है? मेसो कंपाउंड में होता है कुछ ऐसा, वर्ड है अगर, वर्ड है इफ। फिर से सुन लो, अगर इफ अगर ऊपर वाला हाफ प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज में घुमाया तो नीचे वाला हाफ एंटी क्लॉकवाइज में घुला देगा। बोलो समझा? हाँ वर्ड है अगर। मगर में क्या होगा? मगर में होगा कि ऊपर वाला अगर घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे वाला घुमा देगा क्लॉकवाइज। अरे नहीं समझा? सर मतलब पहले ऐसा ही हो जाएगा, सेम पोजीशन पे ही आ जाएगा। हम यही कह रहे हैं कि देखिए हमको तो पता नहीं है ना कि ऊपर वाला क्या करेगा, लेकिन हमको ये जरूर पता है कि ऊपर वाला जो करेगा नीचे वाला उल्टा करेगा। क्या बोलते हो, समझे? अगर अगर ऊपर वाला प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज घुमाया तो नीचे वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमा के बैलेंस कर देगा, और अगर ऊपर वाला घुमाया एंटी क्लॉकवाइज तो नीचे वाला घुमा देगा क्लॉकवाइज और बैलेंस कर देगा। मतलब दोनों हाफ मिरर, सॉरी, इस प्लेन ऑफ सिमेट्री के ऊपर और नीचे का जो दोनों हाफ है वो खुद ही इलेक्ट्रिक फील्ड के रोटेशन को काउंटर कर देगा, और जितना ये घुमाएगा उतना ही ये घुमा के कैंसिल कर देगा। मेरी बात समझ में आई? हाँ सर, बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ड है। वर्ड्स क्या है? टू हाफ ऑफ मेसो कंपाउंड्स रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन टू कैंसिल आउट इफेक्ट एंड नेट रोटेशन ऑन प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो। हमारे मेसो कंपाउंड का जो दो हाफ है वो दोनों हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जो रोटेशन है उसको एक दूसरे के अगेंस्ट में करके कैंसिल कर देता है, इसलिए नेट इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट कितना आता है? जीरो आता है। इसको कहते हैं मेसो कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब और आगे बढ़िए। यहां तक किसी को कोई डाउट? देखें क्या क्या आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, सो बी केयरफुल। धीरे चलते हैं, लगातार चलते रहते हैं, ये सब में तो कुछ कुछ मॉलिक्यूल गायब सब हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, आपको ये सब है चीज डिस्कस करने के लिए, तो आपके पास ये सब चीज अभी आप डिस्कस किए हैं। आपको कभी पता नहीं होता कि कौन मॉलिक्यूल किधर लाइट को किधर घुमाएगा, लेकिन एक हाफ जिधर घुमाएगा दूसरा हाफ अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएगा। डायस्टीरो आइसोमर, इनेंसोमर, मेसो कंपाउंड, ये सब आपके सामने आया। अब यहाँ से फिर से एक नया वर्ड आप पकड़िए, अब उसके बारे में काम कर लीजिए। मेसो कंपाउंड देखिए जरा ध्यान से, देखिए जरा ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को देखिए। तो ये CH3 है, और ये भी CH3 है। बोलो इस मॉलिक्यूल में कितना कार्बन सेंटर है? एक ये वाला कार्बन सेंटर है और एक ये वाला कार्बन सेंटर है, लेकिन इस कार्बन सेंटर के मौजूद होने के साथ क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है? यस सर। हाँ,
इसमें इसके साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी मौजूद है, सो दिस मॉलिक्यूल इज मेसो। बात समझ में आई? ये मेसो है। इसी का निकटतम संबंधी ये CH3 है, ये CH3 है। क्या इसमें भी दो काइरल सेंटर है? यस सर। लेकिन क्या आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं? नो सर। तो दिस विल शोज इनेंसियोमर्स, दे कैन शोज ऑप्टिकल आइसोमर, कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये ऑप्टिकली एक्टिव है और मेसो है, तो ऑप्टिकली कैसा है? इनएक्टिव है। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। देख रहे हो कितना क्लोज चलता है ये वाला टॉपिक। इन दोनों को देखेगा ऑलमोस्ट कोई, अगर सॉलिड और डैश बेज को अच्छे से नहीं समझता तो फंस गया। बोलो है या नहीं? ठीक है। यस सर। और आगे देखिए, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे OH है, एक मिनट। और यहाँ पे H है, समझे? यहाँ पे एच है और यहाँ पे बस हम ऐसे ही दिखा दिए हैं ओ एच। सोच के बताओ तो इसको तुम क्या कहेगा? क्या इसमें दो कायरल सेंटर है? इसमें दो कायरल सेंटर तो है ना? यस सर। ठीक, वेरी गुड। अब जरा सुनना और समझना मेरी बातों को ध्यान से। अगर ये ओ एच, ये ओ एच अगर डैश लाइन पे है तो इसका मतलब एच सॉलिड लाइन पे है। सर। एच सॉलिड लाइन पे है, ओ एच में कुछ नहीं दिखाया गया है, तो क्या ये डैश लाइन पे है? यस सर। और यहाँ पे देख रहे हो वो एच जो नहीं दिखाया गया है, वो खुद से आपको देखना था, क्या वो एच सॉलिड लाइन पे आएगा? यस सर। तो बोलो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं? यस सर। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सो इट इज मेसो। तो मॉलिक्यूल को बहुत ध्यान से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत ध्यान से देखिए, समझ? ठीक है। अभी देखिए जैसे एक अगला एग्जांपल, मान लीजिए हम इधर ड्रॉ कर दिए हैं सी डबल बॉन्ड सी, सी एच है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ C डबल बॉन्ड C। देखिए हम जो बना रहे हैं उसको बहुत गौर से समझिए आप। देखिए यहाँ डाले H, यहाँ डाले H, वेट वेट, यहाँ डाले CH3, यहाँ डाले CH3, और यहाँ डाले CH3, और यहाँ डाले CH3। बोलिए ये काइरल है या नहीं? हाँ सर, ये कायरल है। ना ना, कायरल कैसे है? आप जो बोल देते हैं कैसे बोल देते हैं? इधर वाला भी सीस है सर, पूरा सेम है सर, और इधर दोनों वाला भी सीस है, दोनों तरफ सेम हो गया, तो ये कायरल ही नहीं है, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, नो कायरल सेंटर। सर। लास्ट वाला समझाइए ना, जो पहले समय में नेटवर्क थोड़ा चल गया था। नो कायरल सेंटर, ऑप्टिकली इनएक्टिव। वेट करो वेट करो, अभी यस सर। देखो यही वाला बोल रहे हो कि ये वाला? और नीचे वाला सर,
ये वाला सर, ये बगल वाला, ये सर जो बताए थे पोजीशन वाला। हाँ बोले कि यहाँ देखो OH जो है वो डैश बेस पे है, इसका भी OH पोजीशन डैश वाला बोल रहे सर वो। कौन वाला भाई, लेफ्ट राइट कौन? मुझे पोजीशन वाला बोल रहे, लेफ्ट वाला सर, लेफ्ट नीचे वाला, मेरा लेफ्ट। हाँ ये वाला सर, वो पोजीशन बोल इसको रहे सर। लेफ्ट कहते हैं, इसको राइट कहते हैं। किधर जाना है? हाथ सर वो, हाथ लेफ्ट सर, जो सर जो आपने अभी, मैंने नेटवर्क चलिए सर, हम देखिए नहीं, बस आवाज आया, पिक्चर आ ही नहीं रहा था ये वाला? बस। मेरा बोले यस सर। हाँ ठीक। इसमें ये बोले कि ये OH है डैश्ड वेज पे, ये वाला भी OH है डैश्ड वेज पे, ये मत देखना कि वो ऊपर है नीचे है, डैश्ड है डैश्ड है, एक सॉलिड है एक सॉलिड है, तो इसमें आप प्लेन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं ना। यस सर। प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो ऊपर का डैश और नीचे का डैश, ऊपर का सॉलिड और नीचे का सॉलिड सुपरिम्पोज करेगा ना, यस सर। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है और ये मेसो कंपाउंड में काउंट होगा। बोलो सही है। यस सर। इस केस में क्या किए कि दिखा दिए यहाँ कार्बन है, चार बॉन्ड है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में भी सीस आइसोमर और राइट हैंड साइड में भी सीस आइसोमर बना दिए विद सेम फॉर्मूला सेम ग्रुप्स, तो ये लेफ्ट और राइट वाला दोनों ग्रुप्स तो सेम हो गया, तो ये कायरल सेंटर ही नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, यस सर। वेरी गुड। तो मेसो कंपाउंड्स ऐसे चुन लेना है, मेसो कंपाउंड्स ऐसे चुन लेना है। अब एक टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर, RACMIC, रेसिमिक मिक्सचर। इसको कभी कभी प्लस माइनस मिक्सचर और BL मिक्सचर भी कहते हैं। अभी मान लो जैसे कोई एक ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रहा है और ऑर्गेनिक रिएक्शन में हमारा दो इनेंसियोमर बन जाए और इक्वल प्रोपोर्शन में बन जाए, मतलब 1:1 मोलर रेशियो में बन जाए, जितना इनेंसोमर ए बने उतना ही इनेंसोमर बी भी बन जाए, तो जब दोनों इक्वल मोल के नंबर में मौजूद होगा, दोनों अगर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स के रेशियो में मौजूद होगा, तो जितना ये घुमाएगा प्लेन पोलराइज लाइट को एक तरफ, दूसरा भी अपोजिट में उतना ही घुमा देगा। क्या मेरी आवाज आ रही है अब तक? यस फिर से कोई एक रिएक्शन हुआ, उसमें इनेंसोमर्स बन गया, मतलब ए और बी दो इनेंसोमर बन गया। अब अगर वो इक्वल प्रोपोर्शन में बन गया तो जितना ए के कारण लाइट घूम जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो बी उतना ही घुमा देगा क्लॉकवाइज, यस सर। तो उस मिक्सचर से जब लाइट बाहर निकलेगा दूसरे साइड में, जब आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास कीजिएगा, दूसरे साइड में लाइट जब बाहर निकलेगा, तो क्या उस पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड का रोटेशन दिखेगा या नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कारण क्या है जरा देखो, यहां समझो। देखो इफ टू इनेंसियोमर्स आर फॉर्म्ड इन इक्वल प्रोपोर्शन, वन इज टू वन मोलर रेशियो या फिर 50% 50%, टू इनेंसोमर्स आर फॉर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन 1:1 मोलर रेशियो या फिर 50% 50%, देन देन मिक्सचर
डज नॉट शोज एनी इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट. मिक्सचर डज नॉट शोज एनी इफेक्ट ऑन प्लेन पोलराइज लाइट. दिस मिक्सचर This mixture is called racemic mixture. देखिए देखिए आप तो बहुत कंफ्यूज हो गए लग रहा है. क्या बोलते हो, ये लाइन समझ में आ रहा है? ना बोलो ना. अगर नहीं समझ में आ रहा बोलो नो सर. ना बोलना इज वेरी गुड. हाँ ना बोलना एक बहुत बड़ा क्वालिटी है. हाँ बोलना एवरेज क्वालिटी है. नो बोलना इज वेरी गुड क्वालिटी. नहीं सर नहीं समझ में आया, दिस इज वेरी गुड. जरा सुनना ध्यान से समझना. मान लो जैसे हमारे पास ये एक बॉक्स है, उसमें इनेंसुमर ए है. जब आप इससे लाइट को पास किए, प्लेन पोलराइज लाइट था, प्लेन पोलराइज लाइट था, तो ये ए क्या किया, उस प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा दिया. ए क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट की तरफ घुमा दिया ऐसे. अब इसी ए का इनेंसुमर है ए डैश. जब आप इससे प्लेन पोलराइज लाइट को पास किए तो ये एडेस क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट की तरफ उतना ही घुमा दिया जितना कि पहले से वो राइट में घुमा था. बोलो सही है. ए क्या करता है तो लाइट को राइट की तरफ घुमाता है, एडेस क्या करता है तो लाइट को लेफ्ट की तरफ घुमाता. अब मान लो जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है, ए एंड एडेस का, और दोनों इक्वल अमाउंट में भी मौजूद है. 50% ए है, 50% ए डैश है, 1:1 मोलर रेशियो में. सबका कहने का मतलब है इक्वल अमाउंट. अब अगर आप इससे लाइट को पास कीजिएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो भी वाइब्रेशन था, बताओ इससे पार होने के बाद उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? वही हम भी कह रहे हैं कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए अगर उसको क्लॉकवाइज घुमाएगा तो ए डैश उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, काउंटर बैलेंस. बोलो सही है. Yes, sir. इस तरह के मिक्सचर को आप कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. आप समझ गए आप? अगर हमारे पास ऊपर से देखो If two enantiomers are formed in equal proportion, अगर कहीं कोई मिक्सचर में दोनों enantiomer equal proportion में मौजूद हो. देखो equal proportion बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर कोई एक ज्यादा होगा और एक कम होगा तो ज्यादा वाले का जो रोटेशन पे इफेक्ट था वो बच जाएगा. बोलो हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन अगर दोनों इनेंसोमर इक्वल होगा तो जितना इसका रोटेशन पे इफेक्ट पड़ेगा दूसरा उसी से बैलेंस कर देगा क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में है. Yes, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें दोनों इनेंसोमर इक्वल प्रोपोर्शन में है, इक्वल प्रोपोर्शन कहने का मतलब 1:1 मोलर रेशियो बोलो या 50% 50% का मिक्सचर बोलो, तो उससे अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास करेंगे तो प्लेन पोलराइज लाइट पे किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता और ऐसे ही मिक्सचर को आप रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. बोलो जी सब कोई बोलो. बोलो जी सब कोई बोलो. ये एक इनेंसुमर है, ये दूसरा इनेंसुमर है. इनेंसुमर वन जो है वो क्लॉकवाइज में घुमाया, इनेंसुमर दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया. अब अगर दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद है तो क्या नेट रोटेशन नो इफेक्ट दिखेगा? Yes, sir. Yes, sir. इसको कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर. अच्छा ऐसा ही नेट रोटेशन पे इफेक्ट जीरो आप लोग मेसो में भी देखे ना? Yes, sir. मेसो में भी आप लोग देखे ठीक है.
और यही चीज आपको रेसिमिक में भी दिख रहा है, मिसो में भी दिखा, और यही चीज आपको रेसिमिक में भी दिख रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, सुनना ध्यान से। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेसो का रोटेशन का कैंसिल करना, मेसो जैसे रोटेशन को कैंसिल किया, काउंटर किया, और रेसमिक जैसे रोटेशन को कैंसिल कर रहा है, इन दोनों में क्या इफेक्ट दिखा तुमको, क्या दिखा तुमको? मेसो में सुनिएगा ध्यान से, मेसो में नेट रोटेशन का वैल्यू जीरो किया, उसी का दो हाफ, एक ही मॉलिक्यूल है भाई, एक ही मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है, और एक हाफ दूसरे हाफ को काउंटर कर दिया। इसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब होता है बैलेंस वैलेंस करके खत्म कर देना। 5 रुपया तुम ले लो, 5 रुपया हमको दे दो। अब मेरा जो राइट हैंड है वो 5 रुपया लेफ्ट हैंड को दे दिया, तो बता यहाँ इंटरनली ही ना सब कुछ हो गया। लेकिन लेकिन हम किसी फ्रेंड से 5 रुपया लिए, फिर उस फ्रेंड को 5 रुपया दिए, तो ये एक्सटर्नल कंपनसेशन हुआ। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले के साथ, और इंटरनल मतलब खुद ही मॉलिक्यूल के अंदर। मेसो कंपाउंड में इंटरनल कंपनसेशन होता है, एक हाफ दूसरे हाफ को काउंटर करता है, एक हाफ दूसरे हाफ को काउंटर करता है, तो उसको कहते हैं इंटरनल कंपनसेशन। और रेसमिक मिक्सचर में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के रोटेशन को कंपनसेट करता है, तो इसको कहते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। इन मेसो कंपाउंड नेट रोटेशन ऑन प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से है ना, नेट रोटेशन है ना वहां पे कैंसिल हो गया था। लेकिन इन रेसमिक मिक्सचर नेट रोटेशन ऑन प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से नेट रोटेशन बिकम जीरो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा आपका कॉपी नोट्स दिखा दें, हम लोग इसमें तो बहुत आगे हैं, उधर बहुत बड़ा बड़ा लिख दिए हम। ये देखो मेसो कंपाउंड है, यहाँ देखो लिखा है इंटरनल बैलेंसिंग ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज दैट लाइक टू डिफरेंट हाफ ऑफ सेम मॉलिक्यूल रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपर हाफ इफ 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 अपर हाफ रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन क्लॉकवाइज देन लोअर हाफ रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन एंटी क्लॉकवाइज एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, ये सब आपको रेसमिक मिक्सचर बताया जा रहा है। इट इज अ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ टू इनेंसोमर, सो नेट रोटेशन इन प्लेन पोलराइज लाइट इज जीरो। ये है कैसे, ये सब अभी हम आपको दिखाने वाले हैं, टेंशन ना ले। डायस्टीरो आइसोमर क्या होता है, तो इसमें क्या है आपके टर्म, बहुत कुछ है जो आप है ना देखे। डायस्टीरो आइसोमर्स नॉन सुपरइम्पोजिबल बट नॉट मिरर इमेज। डायस्टीरो आइसोमर नॉन सुपरइम्पोजिबल होगा लेकिन मिरर इमेज नहीं होगा। इनेंसोमर्स क्या है, नॉन सुपरइम्पोजिबल है लेकिन मिरर इमेज है। द रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये रहा आपके पास नॉन सुपरइम्पोजिबल एज वेल एज नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो ये सब चीज आप पढ़े हैं, इनेंसोमर्स आप देख चुके हैं, इवन इवन टू कायरल सेंटर्स। अभी देखो यहां तक के डिस्कशन के बाद थोड़ा सा रुकते हैं हम लोग, कुछ बात करते हैं। अगर आपसे कोई बात कर ले, आपसे कोई ये पूछ ले कि बताओ जी किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन क्या है, तो बताओ तुम्हारा आंसर क्या हो? किसी भी मॉलिक्यूल के ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, बोलो तो आंसर। असिमेट्रिक होना, वेरी गुड, असिमेट्रिक होना।
कोई मॉलिक्यूल असिमेट्रिक है, अगर उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं है तो याद रखना वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कोई अगर तुमसे ये बोले कि बताओ जी कायरल सेंटर मौजूद है मॉलिक्यूल में तो वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव, इसका डिसीजन आप ले सकते हैं क्या? तो देखिए कायरल सेंटर के पीछे कभी हाँ कभी ना वाला बात हो जाता है सर, मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। हाँ ये मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अभी देखे ना यहाँ पे, आप देखेंगे इन सब चीजों को समझिएगा, देखिए यहाँ पे दो कायरल सेंटर है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, और यहाँ पे दो कायरल सेंटर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। बोलो समझ में आया? तो कायरल सेंटर के मौजूद होने से मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये आप डेफिनेट तौर पे नहीं बोल सकते, क्योंकि कभी कभी कायरल सेंटर मौजूद होता है लेकिन मॉलिक्यूल सिमेट्रिक हो जाता है, और कभी कभी उतना ही कायरल सेंटर मौजूद रहता है और मॉलिक्यूल असिमेट्रिक हो जाता है। तो ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या असिमेट्रिक। अब एक लाइन और जोड़ लो, अगर किसी मॉलिक्यूल में केवल एक कायरल सेंटर है, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है मेरे पास जिसमें केवल एक कायरल सेंटर है, जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है एक कायरल सेंटर, अब किसी भी मॉलिक्यूल में अगर एक कायरल सेंटर रहेगा ना तो हमेशा तय रखना कि वो असिमेट्रिक ही होगा, इसमें ना ही तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री बना पाओगे ना ही सेंटर ऑफ सिमेट्री बना पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो अगर एक कायरल सेंटर है तब तो वो 100% ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक से ज्यादा कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव कुछ भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो यहां लिखने जा रहे, इफ एनी मॉलिक्यूल हैव only one chiral center then it must be asymmetric and so optically active। वो असिमेट्रिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन उसके अंदर केवल एक कायरल सेंटर मौजूद होना चाहिए। एक से ज्यादा में मे और मे नॉट भी हो जाता है, ठीक है? इफ एनी मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन, इफ एनी मॉलिक्यूल हैव मोर देन वन कायरल सेंटर then it may or may not, it may or may not be asymmetric and so may or may not be ऑप्टिकली एक्टिव। क्या मेरा ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा, दिमाग में गया ये बात हम क्या बोलना चाहते हैं? यस सर। तो एक से ज्यादा कायरल सेंटर रहना ये जरूरी नहीं है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन एक कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़िया है जी। अभी यहां से थोड़ा सा और चीजों को आपको ध्यान में रखना है, जैसे हम इन एक दो जगह पे हम रुक के आपको इस मेन चार्ट में ही है ना थ्योरी का टर्म है कुछ दिखाना चाहते। ये सब तो आप कर लिए, ये सब आप देख लिए, ये सब हो गया आपका, ठीक है पढ़ लीजिएगा ये सब मिल जाएगा। हम आपको रुकना चाहते, यहाँ पे हम रुकना चाहते, डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स में बहुत बार स्टूडेंट्स को लगता है कि केवल और केवल जो हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स में आज पढ़े थे कि जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा, लेकिन अगर उठा के एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो वो सुपरइम्पोज भी नहीं करेगा, केवल वही आता, ऐसा नहीं। याद रखिएगा कि जो जीआई है, जीआई मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, वो भी डायस्टीरियो आइसोमर का ही पार्ट है, और याद रखना वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
जो हम लोगों का जीआई है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, वो डायस्टीरो आइसोमर्स ही है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। उससे आप प्लेन पोलराइज को पास कीजिएगा तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। देखो डायस्टीरो आइसोमर्स का दो भाग हो गया, एक जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में है और एक जो जीआई में है। जीआई वाला जो डायस्टीरो आइसोमर है, जीआई जो जाए डायस्टीरो आइसोमरिज्म शो करता है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लेकिन जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आप डायस्टीरो आइसोमर पढ़े, नॉन सुपरइम्पोजेबल बट नॉट मिरर इमेज, वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है। डायस्टीरो आइसोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि देखो जी सुनना ध्यान से, अगर तुमसे कोई पूछे कि इनेंसियोमर्स बोलो ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं, तो बोलना मस्ट बी ऑप्टिकली एक्टिव। मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं, तो बोलना ऑप्टिकली इनएक्टिव। रेसमिक मिक्सचर का क्या हाल है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। डायस्टीरियो आइसोमर्स का क्या हाल है, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। इसलिए बोला जाता है डायस्टीरियो आइसोमर्स मे और मे नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। तो ये सब लाइन एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, कॉम्पिटिशन ये सब लाइन के साथ आपके साथ खेलेगा। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन हम आपको आगे ले जाने वाले हैं, जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे, मतलब जब हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाएंगे उस समय हम ले आएंगे आपको। अब आपके पास एक अगला टॉपिक आता है फिशर प्रोजेक्शन, लेकिन फिशर प्रोजेक्शन में आज इंटर करने का मेरा कोई मूड नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये सब आप फिशर प्रोजेक्शन है, यहाँ तक आपको आना चाहिए। बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट आज के क्लास में? नो सर। सब कोई देख लो, सब कोई देख लो, वाइंड अप कर रहे हैं, आज का क्लास यहीं तक रहेगा, फिशर प्रोजेक्शन अगले दिन लेके जाएंगे। यहाँ तक देख लो सबको, एक साथ देख लो, या बीच का कुछ सेक्शन में लफड़ा हो गया आपके सामने नहीं था, जो है उसको आप है ना वीडियो कर लीजिएगा, वीडियो से कर लीजिएगा, कर लीजिएगा जरूर, छोड़िएगा मत उसको, ठीक है, वीडियो से कर लीजिएगा। फॉर एनी मॉलिक्यूल सिमेट्रिक असिमेट्रिक सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव, देखते जाओ, जहां जिसी को रोकना होगा आप रोक दीजिएगा, वहीं पे आपको बता देंगे, आराम से देखिए, फटाफट देखिए और हमको बताइएगा, सर ये एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। देखो एक तरफ सीस है, एक तरफ ट्रांस है, तो ये कायरल सेंटर है। अगर दोनों तरफ सीस या दोनों तरफ ट्रांस हो जाएगा तो ये कायरल सेंटर नहीं रहेगा। रेसमिक मिक्सचर, प्लस माइनस मिक्सचर, डीएल मिक्सचर एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। चलिए यही तक आज के लिए रखते हैं, ज्यादा हड़बड़ा के कोई फायदा नहीं है सेक्शन में, बी पेशेंट और इस सब चीजों को है ना बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यही सब आए, हम अभी आपको बताएंगे।